वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को टाइटल के अकॉर्डिंग डिफरेंस बताने के लिए भारत के एक मॉल के बेसमेंट में चलते हैं और मैं वहां दिखाती हूं कि आपको भारत में हमें क्या सुविधा मिलती है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए यहाँ बहुत सारा स्पेस होता है, हम चाहें तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को चार्जिंग पर लगाएं और मॉल में शॉपिंग करें, खाना खाएं या जो भी हमें करना हो हम कर सकते हैं। लेडीज़ को रेस्पेक्ट देने के लिए उनके लिए कुछ एरिया अलग से रखा जाता है, वैसे वो जहाँ चाहें कार पार्क कर सकती हैं। और अब आप आइए मेरे साथ और देखिए कि हमें भारत में क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं जो कि सिंगापुर में नहीं मिलती हैं। भारत में अतिथि देवो भव कहा जाता है, मतलब अतिथि मेहमान है, तो हम इस समय इस मॉल में एज अ मेहमान आए हैं इसलिए हमें यहाँ पर ग्रीट किया जाता है। और उसके बाद आगे जहाँ भी जाएंगे हमें गाइडेंस के तौर पे एक ना एक मददगार मिलता है। मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको सिंगापुर में जो चीज़ें नहीं होती वो भी बताती जाती हूँ। ये वाली चीज़ें वहाँ पर हमने नहीं देखी, वहाँ पर लिफ्ट खुद ऑपरेट करनी है और उसके अलावा आपको उसमें कोई भी असिस्टेंस नहीं मिलता है। नमस्ते। आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है तो इसलिए हम जहाँ से भी चाहें अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। भारत के मॉल्स में ऑफिस का काम या कुछ भी अपना लैपटॉप वर्क करने के लिए स्पेस मिल जाते हैं और मैप में हम उस जगह को ढूंढकर किसी दूसरे फ्लोर पर भी चूज़ कर सकते हैं अगर हमें कहीं और जाना हो तो। यहाँ चाहें तो हम वैसे भी टाइम पास के लिए बैठ सकते हैं लेकिन यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग करना हो, लैपटॉप चार्जिंग करना हो तो उसके लिए पोर्ट्स बने हुए होते हैं। भारत के कुछ मॉल में एक के बाद एक अगर नीचे जाना है तो एस्केलेटर सामने ही बने होते हैं, ऊपर चढ़ना है तो भी उसी तरीके से बने होते हैं, लेकिन सिंगापुर में ज़्यादातर घूम घूम के जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि हमको नीचे जाना है तो कहाँ से जाना है। जिस तरीके से ये एक कल्चरल एक्टिविटी के लिए एरिया बना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई टिकट नहीं लगता है, सामने स्टेज लगता है और वहाँ पर कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है, उसके लिए ये लाइट्स भी लगी हुई हैं, टेबल बनी हुई हैं बीच बीच में जिसमें कि हम अपना सामान रख सकते हैं और सेफली हम प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। सिटिंग एरिया बहुत बड़ा होता है, सबसे अच्छी बात ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। भारत के मॉल में मॉल की प्रॉपर एंट्री से पहले ही ऐसी लोकल शॉप्स लगी हुई होती हैं जो कि ट्रेडिशनल सामान से भरी हुई होती हैं। वो सामान ज्वेलरी, डेकोर, गारमेंट्स, फर्निशिंग किसी भी चीज़ के हो सकते हैं और यहाँ से हम चाहें तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी सामान ले सकते हैं, जो कि हमने सिंगापुर के मॉल्स के बाहर नहीं देखा है कि वहाँ
मॉल के बाहर इस तरीके की शॉप्स लगी हुई होती हों। और इन शॉप्स में ख़रीदारी करने का एक अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि अभी हम मॉल के अंदर एंटर नहीं हुए हैं, ये सारी शॉप्स मॉल के बाहर ही हैं। और यहाँ मैक्सिमम सारा ऑथेंटिक ट्रेडिशनल सामान भारत का मिलता है, जो कि अंदर ब्रांडेड होता है। तो बाहर से हम चाहें तो ये शॉपिंग कर लें और अंदर जाएं तो हम ब्रांड्स की शॉपिंग कर लें। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ मॉल के अंदर और कुछ और भारत के मॉल्स की स्पेशल बातें आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद दिखाऊंगी सिंगापुर के मॉल और वहाँ की कुछ खास चीज़ें। भारत के मॉल में एस्केलेटर पर हम चाहे लेफ्ट में खड़े हों या राइट में, कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। जिसको आगे निकलना होता है तो वो बोलकर बताकर आगे निकल सकता है, अदरवाइज़ हमें खुली छूट होती है। कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि हमें मॉल में एस्केलेटर पर किस तरफ खड़े होना है, चाहे हम सिंगल हैं या दो लोग हैं या चार लोग हैं, हम जहाँ मर्जी चाहें आराम से खड़े हो सकते हैं। लेकिन सिंगापुर के मॉल्स में ऐसा नहीं होता, अभी मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ टॉप फ्लोर पर। तो ये जो सिनेपोलिस आप देख रहे हैं, भारत के अधिकतर मॉल्स में सिनेमा हॉल टॉप फ्लोर पर होते हैं। सिंगापुर में सिनेमा हॉल बहुत कम होते हैं और टॉप फ्लोर पर कभी नहीं हमने देखे, हमने फर्स्ट फ्लोर पर ही वहाँ पर ज़्यादातर सिनेमा हॉल देखे हैं। उसके अलावा भारत में टॉप फ्लोर पर हमेशा फूड कोर्ट बनाए जाते हैं, सिंगापुर में ऐसा नहीं होता। सिंगापुर में फूड कोर्ट बेसमेंट में होते हैं या ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंस हैं। और एक और बहुत ख़ास डिफरेंस दिखाती हूँ, जैसे कि भारत में हाथ से खाना खाया जाता है, तो ये जो अलग से एक ब्लॉक बना है, यहाँ पर हाथ धोने की सुविधा शुरू में ही दी गई है कि किसी को खाना खाने से पहले भी हाथ धोना है या खाना खाने के बाद भी हाथ धोना है तो यहीं पर वो धो सकता है, उसे वॉशरूम की दूरी तय नहीं करनी होगी। इस तरीके की सुविधा हमने सिंगापुर में कहीं नहीं देखी है, और वैसे भी वहाँ हाथ से खाना खाया ही नहीं जाता है। और उसके अलावा भारत में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की भरपूर वैरायटी मिलती है, लेकिन सिंगापुर में वेजिटेरियन फूड बहुत ही रेयर मिलता है, अगर मिलता है तो वहाँ से ख़त्म हो गया होता है। और मैकडॉनल्ड्स के मैक कैफ़े भारत में ही मैंने देखे हैं कुछ शहरों में, सिंगापुर में मैंने मैकडॉनल्ड्स ज़रूर देखा है लेकिन मैक कैफ़े वहाँ पर बिल्कुल नहीं देखा है। मैक कैफ़े में बहुत अच्छी कॉफ़ी और स्नैक्स सर्व किए जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ बहुत बड़ा है और तरह तरह का फर्नीचर है कि जिसको जिस तरीके का कंफर्टेबल लगता हो वो वहाँ पर बैठ सकता है। सिंगापुर में इस तरीके का अलग अलग फर्नीचर नहीं होता है, वहाँ ज़्यादातर एक ही तरीके का फर्नीचर एक जगह पर मिलता है। और हमारे देश की पहचान, ये देखिए एक बार कोड, जिससे हम चाहें हज़ारों रुपए की पेमेंट कर सकते हैं, चाहें तो लाखों रुपए की पेमेंट कर सकते हैं, ये दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है, तो सिंगापुर में तो क्यों ही मिलेगा। तो ये हमारे देश की शान है, UPI, पेटीएम। और मैं अब यहाँ बैठ गई हूँ, इस पेटीएम की वजह से हमें इस पर्स की भी अब कहीं ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अभी मैं आगे आपको ले चलूँगी सिंगापुर, तो साथ में मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने ये एक जैकेट लाई है, इसका एक रीज़न है, अभी आगे आपको पता लगेगा। तो अब चलते हैं हम सीधे सिंगापुर। लेफ्ट में खड़े होना होता है, राइट में नहीं खड़े होना होता है, भास्कर गड़बड़ कर रहा है। अब मैं आपको सिंगापुर के एक मॉल में ले आई हूँ। आप देख सकते हो ये छोटे छोटे ज्वेलरी के काउंटर्स बनेंगे, रियल ज्वेलरी नहीं है, ये फैशन ज्वेलरी है। जैसे कि ये छोटे काउंटर मैंने आपको मॉल की एंट्री के बाहर दिखाए थे भारत में, उसी तरीके से यहाँ पर ये सारे स्टॉल मॉल के अंदर हैं।
और मॉल हमारे यहाँ पर एक बाउंड्री के अंदर बने होते हैं, अपना कंपाउंड होता है मॉल का प्रॉपर। सिंगापुर में मॉल का ऐसा कोई प्रॉपर कंपाउंड नहीं होता है कि उसके आसपास हम और कहीं नहीं जा सकते। सिंगापुर में हम चाहें तो मॉल से ही क्रॉस होके दूसरी जगह भी पहुंच सकते हैं, जैसे कि इस मॉल में हम आए हैं एक दूसरी जगह जाने के लिए, जिसकी वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वो सिंगापुर की बहुत ही फेमस और पॉपुलर स्ट्रीट है और उसका नाम अभी आप देख सकते हो, बस जस्ट हम पहुंचने वाले हैं। एक नज़र आप मॉल की भी देखते रहिए कि वहाँ किस तरीके के मॉल होते हैं, इसकी भी बहुत सारी वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब जैसे कि हम ये मॉल के एक हिस्से से बाहर निकल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर तो पार्किंग वगैरह के लिए एरिया होता है और कुछ शॉपिंग के लिए एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर हम बाहर निकल कर मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं जो लेफ़्ट साइड से यहाँ आता है, और हम आए हैं यहाँ पर जाने के लिए बुगीस स्ट्रीट, जो कि आप सामने देख रहे हो, ये यहाँ की बहुत पॉपुलर शॉपिंग स्ट्रीट है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कुछ और डिफरेंसेस सिंगापुर के, जो कि भारत के मॉल से अलग होते हैं। लेफ्ट में खड़े हो आप? हाँ, लेफ्ट। जिस कोल्ड स्टोरेज सबसे महंगा ग्रोसरी स्टोर है यहाँ पे, सिर्फ व्हाइट लोग करते हैं शॉपिंग। कोकोनट ऑयल की चीज़ें मैं खाता नहीं हूँ। चॉकलेट क्रम्बल मफिन, मम्मी मफिन खाती है। ठंडा हो गया? नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। क्यों? नहीं यार, मैं कुछ नहीं खाना, और वैसे बहुत पेट भरा हुआ है। वेजिटेरियन फूड वहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और वेजिटेरियन फूड वहाँ पर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है या वो बहुत कम बनाते हैं, ये रीज़न हमें आज तक समझ नहीं आया है। अब भारत टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे है, लेकिन सिंगापुर में टेक्नोलॉजी की कुछ और चीज़ें मिलती हैं जो प्रैक्टिकल हमारे यहाँ नहीं है। बेशक हमारे ही लोग वहाँ जाकर बनाते हैं, लेकिन वो चीज़ें प्रैक्टिकली हमें वहाँ देखने को मिलती हैं, जो देख के बड़ा अच्छा भी महसूस होता है। हमारी पिछली कुछ वीडियोस में आप चाहें तो वहाँ की टेक्नोलॉजी का अछूता नमूना देख सकते हैं, जैसे ट्रेन में किस तरीके से रेस्टोरेंट में खाना सर्व होता है वाली वीडियो हो। और यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखा देती हूँ कि इस रेस्टोरेंट में सर्व करने के लिए कोई वेटर नहीं है, इस तरीके की एक मशीन है, इसमें अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं, इसमें खाना रख के आएगा और हमें सर्व हो जाएगा। चाहें तो अंदर बैठ सकते हैं, चाहें तो इस रेस्टोरेंट के बाहर कुछ जगह बनाई है वहाँ भी बैठ सकते हैं। इसीलिए ये मशीन यहाँ पर चल रही है, मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रही हूँ, और वैसे भी ये मशीन स्लो ही चल रही थी क्योंकि ये खाना लेकर चलती है। तो ये एक डिफरेंस सिंगापुर में हमने देखा, जो कि हमने भारत के मॉल्स में नहीं देखा है। वीडियो तो मॉल से रिलेटेड है, लेकिन एक और बहुत अलग एरिया सिंगापुर का दिखाती हूँ जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलता, वहाँ का यूनिवर्सिटी एरिया। तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ कि वो किस तरीके का होता है जो भारत में नहीं होता है। ले ले पानी, हाँ पानी पीते रहो। यहाँ हमें हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, सब नॉन वेजिटेरियन है। हाँ, लाइट थोड़ी सी कम है।
यूनिवर्सिटीज़ तो हमें हमारे यहाँ ही मज़ा आता देख के। अच्छा एक और म्यूजियम, दोनों का मम्मी का और म्यूजियम। ग्रीनरी कितनी अच्छी है इस जगह में। वो यहाँ पर है देखो, ये है स्कूल किसका है। और आगे देखते हैं यहाँ का क्या कल्चर है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, आगे तक सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स ही डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर खाना खाने के लिए हम अंदर गए थे, लेकिन भारत में यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में बाहर का कोई भी पर्सन खाना खाने के लिए एंटर नहीं हो सकता है। जी कैसी है ये? आई डोंट थिंक मैंने ये खाई है। कैसा? सिंगापुर के मॉल में ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए अब हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ ग्रॉसरी शॉपिंग का तरीका बहुत अलग है जो भारत के मॉल में अभी तक नहीं आया है। तो चलिए अब हमारे साथ करिए कुछ शॉपिंग और देखिए उसका तरीका कि किस तरीके से सिंगापुर और भारत के मॉल में शॉपिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। मान गए ना? सिंगापुर के मॉल में हमने ग्रॉसरी शॉपिंग करके पेमेंट भी खुद की, सामान भी खुद लेके अपने आप बाहर आ गए। और अब आते हैं वापस भारत के एक मॉल के टॉप फ्लोर पे, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमेशा सिनेमा हॉल बने होते हैं। और मैं और भास्कर आए हुए हैं यहाँ फिल्म देखने, और इसी के लिए हम जैकेट साथ लाए थे कि अगर अंदर सर्दी लगेगी तो मैं पहन सकती हूँ। बने रहिए वीडियो में और देखिए कुछ और चीज़ें। वॉशरूम भी जाएंगे यार। यहाँ का वो लोग दिखा रहा है मुझे हॉल ना, सिंगापुर से कंपैरिजन करना है ना, तू पी जा। हाँ, भारत और सिंगापुर के मॉल्स के कुछ डिफरेंस मैं आपको बता पाई। हो सकता है और बहुत सारे डिफरेंस हो, अगर आप कुछ जानते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। और अभी और भी डिफरेंसेस की वीडियोस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आपको घर बैठे हर जगह घुमाना और वहाँ के बारे में बताना मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को भी प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियोस। हम देखते हैं मूवी और आप देखिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। Thank you.